हेलो गाइस, वेलकम टू एसे ट्यूटोरियल। मैं आज आपके सामने चैप्टर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में आने वाले सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द VSEPR थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ड्रो द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मोलिक्यूल, डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मोलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ड्रो द मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव मोलिक्यूल एंड फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है एग्जाम्पल बताइए, इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, और उसका आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या फॉर्मेशन है, ये एक्सप्लेन करके लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द शेप ऑफ C2H6 मोलिक्यूल। कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है हाइब्रिडाइजेशन का, और आपको शेप बताना है C2H6 का, मतलब इथेन मोलिक्यूल का शेप क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। हाइब्रिडाइजेशन बताना है PCl5 में क्या होगा, वाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लोअर देन देट ऑफ पारा नाइट्रोफिनोल, वाई। सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वाई। ये आपका क्वेश्चन है, करीबन ये 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 एंड C2H5 मोलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन बताना आपको अमोनिया में और ये C2H5 मतलब मिथाइल मोलिक्यूल में, इथाइल मोलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ के पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको के पॉजिटिव आयन का। गाइज, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।